गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस आरिनियस एसिड बेस थ्योरी। नाउ वी आर गोइंग फॉर अवर सेकंड थ्योरी, दैट इज ब्रॉन्स्टेन क्लोरीन थ्योरी। तीन एसिड बेस की थ्योरी होती है। फर्स्ट फॉर आरिनियस एसिड बेस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आरिनियस जो H प्लस देगा वाटर में वो आरिनियस एसिड होगा, जो OH माइनस देगा वो बेस, और उस बेसिस पर मोनो डाई और ट्राई हमने है ना, एसिड्स के लिए मोनो बेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक, और बेस के लिए मोनो एसिडिक, मोनो से डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक है ना, क्योंकि हमने एन फैक्टर भी पढ़ लिया है। तो एसिड्स का एन फैक्टर उसकी बेसिसिटी होती है, और बेस का एन फैक्टर उसकी एसिडिटी ना। अब ये खूब सिंपल थ्योरी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी H प्लस डोनेट करेगा वो एसिड, और जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस। बस लिख लेना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी H प्लस डोनर आर एसिड। According to this theory, H plus donor are acid and H plus acceptor are base. तो जो H plus को donate करेगा, मतलब H plus donor जो होगा वो acid होगा, और जो H plus को accept करेगा वो आपके लिए base हो जाएगा। बस ये सिंपल सी थ्योरी थी, ठीक है ना। अब जैसे अमोनिया को अगर मैं पानी में डाल देता हूँ, NH3+H2O, ठीक है, तो क्या होगा, अमोनिया वाटर से H प्लस को ले लेगा, और अमोनिया वाटर से H प्लस को ले लेगा तो क्या बना देगा, NH4+ and OH-. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अमोनिया जहां भी आए आपको हमेशा उसे NH4OH लेना है, और NH4OH हमेशा किस में टूटेगा, NH4+ and OH-, तो वही रिएक्शन। अब अगर इस बेसिस पे देखूं तो चूंकि अमोनिया क्या कर रहा है, H प्लस ले रहा है, इसलिए ये बेस हो गया, और वाटर क्या कर रहा है, H प्लस को दे रहा है, इसलिए ये एसिड हो गया, ठीक है। ऐसे जैसे HCl को आप वाटर में मिक्सअप कर दो, तो जब HCl को पानी में मिलाओगे तो क्या होगा, लास्ट क्लास में अगेन वी हैव डिस्कस की छह एसिड स्ट्रांग होते हैं, तीन ऑक्सी एसिड थे HClO4, H2SO4 एंड HNO3, एंड तीन हाइड्रा एसिड HI, HBr and HCl। तो अब जैसे HCl को पानी में डाला तो ये डेफिनेटली एसिड की तरह काम करेगा, तो ये H प्लस डोनेट करेगा, और H2O क्या करेगा, एक्सेप्ट। तो अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो इट विल कन्वर्ट इनटू H3O+, ठीक है ना, और इसने डोनेट करा तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा Cl-. तो अगेन ये डोनेट कर रहा है इसलिए ये काम कर रहा है एसिड, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस। तो इन दोनों एग्जांपल से क्लियर हो रहा है कि वाटर दोनों तरीके से काम कर सकता है, H प्लस को दे एसिड की तरह भी और बेस भी। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एम्फीप्रोटिक बोलते हैं, जो H प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, जो H प्लस दे भी सकता हो, और एम्फी का मतलब एक से ज्यादा, मतलब लेना देना दोनों तरह के काम कर सकता है, ठीक है। अब इसी में उसने एक कॉन्सेप्ट दिया हमारा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से मतलब क्या हमारा, लिखना, एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर हैविंग डिफरेंस ऑफ एसिड बेस पेयर हैविंग डिफरेंस ऑफ 1 H+ ion is
नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर हैविंग डिफरेंस ऑफ वन एच प्लस आयन इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, एक एच प्लस का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर आपको कोई एसिड देकर उसका है ना कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा हो, सी बी लिख रहे हैं हम लोग, तो आप क्या कर दो, बस उसमें से एच प्लस को निकाल दो, ये रूल होगा। और अगर बेस देकर उसका कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा हो तो आप उसमें एच प्लस को जोड़ दो। ठीक है ना, जैसे ऊपर वाले पेयर के लिए बात करूं तो अगर ये बेस है तो NH4 प्लस क्या होगा इसका, कॉन्जुगेट एसिड, है ना, हमेशा प्रोडक्ट साइड में ही होंगे कॉन्जुगेट वाले पेयर। और अगर ये एसिड है तो OH माइनस इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, बेस, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि NH3 और NH4 प्लस ये हमारे लिए क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसके अलावा H2O और OH माइनस ये भी मेरे लिए क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर, क्योंकि इसमें भी किसका डिफरेंस है, एच प्लस का। अब इसी तरह से ये एसिड है तो सी एल माइनस क्या हो गया उसका, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि एच प्लस कम हो चुका है तो एच सी एल का कॉन्जुगेट बेस एसिड बेस पेयर एच सी एल एंड क्या हो जाएगा हमारा सी एल माइनस। अब अगर ये बेस की तरह काम कर रहा है तो ये कॉन्जुगेट किसकी तरह काम करेगा, एसिड, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट वाले साइड चीजें हमेशा प्रोडक्ट साइड में होंगी। वाटर दोनों की तरह काम करता है, तो कभी वाटर का आपसे कॉन्जुगेट बेस पूछेगा तो इट विल बी ओ एच माइनस, और वाटर का कॉन्जुगेट एसिड पूछेगा तो इट विल बी एच थ्री ओ प्लस। ये बेस था, बेस में एच प्लस जोड़ दो तो अमोनिया में जैसे एच प्लस जुड़ेगा, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या था, लोन पेयर, उसने दे कर क्या बना दिया NH4 प्लस। तो ये बेस था तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड, और अगर एसिड होगा तो उसमें से H प्लस हटा दो, ये एसिड था H प्लस हटाओगे तो क्या बचेगा OH माइनस, ये एसिड H प्लस हटा Cl माइनस, ये बेस था H प्लस जुड़ा तो H3O प्लस, ठीक है ना। तो इसलिए एसिड बेस पेयर जिसमें केवल एक एच प्लस का डिफरेंस होगा वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाएगा। और क्वेश्चन में कभी भी पूछे कि इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ या इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, अगर बेस पूछा है मतलब वो खुद एसिड की तरह काम कर रहा है तो एच प्लस हटा देना, और कॉन्जुगेट एसिड पूछा है तो वो मतलब बेस की तरह काम कर रहा होगा तो एच प्लस जोड़ देना, है ना। अब इसमें एक रूल और आएगा हमारा कि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा और स्ट्रांग का वीक होगा। जैसे एच सी एल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, काफी वीक होगा। तो नीचे ये भी नोट कर लेना है ना, वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हैज strong acid has weak conjugate base, नीचे ये लिखना same is true for base also, base के लिए भी यही चीज हमारी लागू होगी, same is true for base also, first point ये ध्यान रखना। दूसरा point आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि एसिड बेस रिएक्शन हमेशा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाती है, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। तो वो यहां पर भी एप्लीकेबल होगा, सेकंड पॉइंट नोट डाउन, एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम strong to weak direction, acid base reaction always proceeds from strong to weak direction। इसके एप्लीकेशन क्या है हमसे बोल सकता है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन या प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ऐसा बोल सकते हो आप, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। लाइक आई एम गिविंग फाइव रिएक्शन और अगर हम इसे पूछोगे प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, होपफुली यू हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो। एसिड बेस की स्ट्रेंथ आप वहां भी कंपेयर करते हो, बस दोनों जगह डिफरेंस इतना है कि वहां पर आप जिसका पीके ज्यादा वो उतना वीक एसिड, तो आप है ना वहां पर केल पीके का वो आप डिटरमाइन कैसे करते हो, प्लस एम माइनस एम फलाना ढिमका है ना, जैसे भी आप लगा सकते हो अपना। यहाँ पर एग्जैक्ट आपको के ए के बी की वैल्यूज गिवन होंगी क्योंकि यहाँ पर हमें न्यूमेरिकली डील करना है। इन द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू कि अवर मेजर पर्पस इज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन और उसमें भी स्पेशली एच प्लस और ओ एच माइनस, तो आयन का कंसंट्रेशन न्यूमेरिकली निकालना होगा। तो ऑलरेडी मेरे पास एक अननोन आ चुका था, क्या अल्फा, वीक एसिड का अल्फा मुझे नोन नहीं था, अब वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे दूसरा कोई कांस्टेंट पता होना चाहिए और वो के और के बी होते हैं। तो अभी तो एक क्वेश्चन हम लोग अननोन के वे में कर रहे हैं है ना विद द प्रीवियस नॉलेज। तो अब जैसे फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं, विल इट प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड, क्यों, क्योंकि है ना जिसके बारे में मुझे जानकारी, जैसे अब जानकारी आपको भी लगानी पड़ेगी, H2SO4 क्या है आपका और ये क्या हो जाएगा है ना, आप तो किसी एक को पकड़ लो बाकी तो अपने आप ही हो जाएगा है ना। अब जैसे मैं चाहता तो इस रिएक्शन को मैं आयनिक फॉर्म में भी दे सकता था, मैं ये हटा देता तो ये क्या हो जाता, कार्बोनेट, और इसका भी सोडियम हटा देता सल्फेट, तो डेफिनेटली अगर H2CO3 वीक है तो कार्बोनेट स्ट्रांग होगा और अगर ये स्ट्रांग है तो ये वीक होगा। तो अगर मैं बेस के टर्म्स में भी लिखूं तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, बेस, ये इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, एसिड, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रांग है रिलेटिवली और ये क्या है आपका, वीक है, सही है। तो मेरी रिएक्शन कहां से कहां की तरफ प्रोसीड हो गई, CB1 लिख दो है ना, इसे वीक एसिड 1, इसे SA2 ले दो तो ये भी कॉन्जुगेट बेसी है ना। और अब कार्बोनेट और सल्फेट में पूछेगा तो डेफिनेटली कार्बोनेट क्या होगा, स्ट्रांग, क्यों होगा स्ट्रांग कार्बोनेट, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा, और सल्फेट जो होगा वो वीक होगा क्योंकि उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग है। तो आप दोनों वे में से है ना एसिड से भी पहचान सकते हो, बेस से भी पहचान सकते हो, बट किसी एक से आइडिया मिल जाए तो दूसरे से अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे आइडिया एसिड से ही मिल गया था कि ये स्ट्रांग है और ये वीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये रिएक्शन मेरी किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड। अब जैसे सेकेंड को बोलूं तो सेकेंड को बोलूंगा, अगर क्वेश्चन ये होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल, तो मैं बोलता कि सेकेंड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल,
वो फॉरवर्ड में नहीं जाएगी, उल्टे किस डायरेक्शन में आनी चाहिए, बट अभी मैंने डायरेक्शन पूछी है तो आई विल से इट विल मूव इन बैकवर्ड, है ना। क्यों? मैं तो किस एसिड को पकड़ लूं भैया, एक एसिटिक एसिड और एक फॉर्मिक, और फ्रॉम द नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पता है फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। तो मतलब आप स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहे हो किससे? वीक एसिड से। तो इन द गिवन सिचुएशन दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, बैकवर्ड में ले जाओगे तो आप बोलोगे कि ये रिएक्शन डेफिनेटली क्या है मेरी, फिजिबल हो जाएगी, है ना। तीसरा जैसे है ना, अब बैकवर्ड क्योंकि एच है ना, पहले तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप तो एसिड बेस पेयर पहचान लिया करो। अब ये तो आपको पता ही है क्या है, एसिड, तो ये उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बेस, ठीक है ना। अब ये एसिड है तो डेफिनेटली इधर वाटर किसकी तरह काम कर रहा होगा, बेस की तरह, सॉरी ये कॉन्जुगेट बेस है ना, वाटर किसकी तरह काम कर रहा होगा, एसिड, तो ये वाटर का क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस, है ना। तो ये वन वन लिख दे रहा हूँ, वन का वन, ये टू टू लिख दे रहा हूँ, टू का टू, ठीक है। अब मुझे HCl के बारे में तो वैसे सोचने की जरूरत ही नहीं थी भैया, HCl को तो हमने स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना था, तो उन छह में से कोई भी अगर प्रोडक्ट साइड बन रहा है मतलब स्ट्रांग बन रहा है, और स्ट्रांग बन रहा है तो डेफिनेटली रिएक्टेंट साइड में वीक होगा, तो ये अगर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वाटर क्या होगा मेरा, वीक। तो इस वजह से अगेन आई विल से दिस रिएक्शन इन द गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। यह मैं बोल सकता हूँ कि ये कब पॉसिबल होगी, जब बैकवर्ड में चली जाए, ठीक है ना। अगेन अगले क्वेश्चन में आप देखोगे तो वापस रिक्वायर द नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ये क्या है आपका पायरोल, और वो क्या है आपका पिरिडीन, ठीक है ना। अब पायरोल और पिरिडीन में ज्यादा बेसिक कौन होता है, पिरिडीन, क्योंकि इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जबकि इसका लोन पेयर है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड या अमोनियम कंपाउंड बेस की तरह काम ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास लोन पेयर है, और जो जितनी आसानी से लोन पेयर देगा वो उतना अच्छा बेस होगा। तो अगर इसका लोन पेयर लोकलाइजेशन में डीलोकलाइजेशन में चले गया तो अवेलेबिलिटी कम हो गई, और इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये क्या है मेरे लिए, स्ट्रांग, और ये क्या हो गया मेरे लिए, वीक। तो अगेन आप वीक से किस तरफ जा रहे हो, स्ट्रांग, तो दैट मीन दिस रिएक्शन विल अगेन नॉट पॉसिबल, या आई विल से इट विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। इन द सिमिलर वे वापस NaOH तो मुझे पता ही है क्या है, स्ट्रांग बेस, तो ये डेफिनेटली किसकी तरह काम करेगा, वीक बेस, तो आप वीक बेस से स्ट्रांग बेस की तरफ जा रहे हो, इट इज अगेन नॉट पॉसिबल। हाँ, बैकवर्ड ले जाओ तो पॉसिबल हो जाएगी, है ना। इससे आपको एक आइडिया भी मिल गया, जो भी स्ट्रांग एसिड या बेस होंगे उनके कॉन्जुगेट एसिड या बेस कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। जो छह एसिड मैंने स्ट्रांग लिखा है, कौन कौन से, HClO4, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, उनके कॉन्जुगेट बेस कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करे, मान लीजिए Cl- की जगह Br- हो जाए, तो वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देगा, HBr, वापस आप स्ट्रांग बना रहे हो, विच विल बी नॉट पॉसिबल। ऐसे ही जितने भी स्ट्रांग बेस है उनके कॉन्जुगेट एसिड, अब NaOH का कॉन्जुगेट एसिड एक तरह से क्या हो गया, Na+, तो Na+ कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि वो वाटर से रिएक्ट करते ही उल्टे स्ट्रांग बेस बना देगा, है ना। तो आगे जब हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे तो ये जरूरत मुझे वापस पढ़ने वाली है कि स्ट्रांग और एसिड या बेस के काउंटर आयंस विल नॉट रिएक्ट विथ किसके साथ, वाटर। चाहो तो आप अभी से नोट कर ले लेना, है ना, कि काउंटर आयंस ऑफ स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस। ये बेटा AC चला दो यार, AC मत बंद करो, गर्मी है आज तो यार। काउंटर आयंस ऑफ स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस विल नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दैट इज है ना, व्हेन वी डिस्कस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, दैट इज दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब ही क्या होता है, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस क्या डिफरेंस होता है। हाइड्रेशन में वो आयन को पूरी तरह से केवल घेर लेता है, और हाइड्रोलिसिस में वो आयन के साथ रिएक्ट भी करेगा और फिर घेरेगा भी, है ना। तो इसने रिएक्ट करा है वाटर के साथ, Cl-
अगर हाइड्रेशन होता तो सीएल माइनस केएल चारों तरफ से वाटर से घिर जाता, बाकी अभी सीएल माइनस ने वाटर से रिएक्ट करने की कोशिश करी, तो हाइड्रोलिसिस में दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, चलो अब लिखना हमारा। हाँ मतलब एक मतलब H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। एक अब अगर डाइप्रोटिक ले लोगे, डाइप्रोटिक एसिड ले लोगे तो है ना दो का हो जाएगा, है ना। उसमें भी एक चीज अभी बताने जा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में डाइप्रोटिक एसिड कभी भी दो एच प्लस एक साथ रिलीज ही नहीं करेगा। इस पूरे चैप्टर में अगर एच टू एस है तो आप उसे डायरेक्ट कभी भी नहीं ब्रेक करोगे टू एच प्लस एंड एस माइनस टू। यू हैव टू ऑलवेज ब्रेक इन टू इन द फर्स्ट स्टेप एच प्लस एंड एच एस माइनस, फिर एच एस माइनस को फिर से तोड़ोगे एच प्लस एंड एस माइनस, है ना। क्यों उस पर भी मैं आ रहा हूँ। हाँ अब अगली चीज लिखना हमारा एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट इज अवर एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, जिसमें लिखना है सब्सटेंस विच कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट, सब्सटेंस विच कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट एच प्लस आयन दैट इज प्रोटॉन। सब्सटेंस विच कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट एच प्लस आयन दैट इज प्रोटॉन इज नोन एज एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। एच टू ओ ये एच प्लस को लेकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारा एच थ्री ओ प्लस, एज वेल एज एच टू ओ चाहे तो एच प्लस को डोनेट करके किसमें बदल जाएगा ओ एच माइनस। तो यहां से मेरे लिए वाटर किस तरह का सब्सटेंस हो गया एम्फीप्रोटिक, क्योंकि वह एच प्लस को ले भी रहा है एच प्लस को दे भी रहा है। ठीक है ना, तो वाटर एक काफी अच्छा आपका एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है जो H प्लस को लेने देने दोनों का काम कर रहा है। इसके अलावा कौन से सब्सटेंस होंगे हमारे एम्फीप्रोटिक, जितने भी पॉलीप्रोटिक एसिड है उनके एनायंस जिनके पास एक एच प्लस आयन, ठीक है ना। तो आप सेकंड लिख लेना एनायंस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, एनायंस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, और एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है मैंने मोल टू में भी बताया था आपको, जो ग्रुप 16 या ग्रुप 17, ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम और टेलुरियम, या ग्रुप 17 मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन से जुड़ा। तो पॉलीप्रोटिक है ना, क्या लिखा है हमने एनायंस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन है ना आर एम्फीप्रोटिक। जैसे एग्जांपल दूं H3PO4, आगे जब हम लोग बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे ठीक है, तो अभी मैंने आपसे बोला उन्होंने पूछा भी था इस पूरे चैप्टर में कोई भी एसिड या कोई भी बेस एक साथ एक से ज्यादा आयन H प्लस या OH का लूज नहीं करेगा, ये ध्यान रखना जरूरी है। जैसे H3PO4 ये कहने के लिए अगर मोल 2 से बोलूं तो इसका एन फैक्टर कितना था H3PO4 3, ठीक है ना। जितने ऑक्सीजन हो उससे एक कम एन फैक्टर होगा, ये ध्यान रखने का तरीका था। तो H3PO4 में 4 है तो इसका एन फैक्टर कितना 3। अब पहला H प्लस अब 3 है तो ये कितनी बार लूज करेगा 3 बार। पहली बार इसने H प्लस लूज करा तो इट विल फॉर्म H2PO4 माइनस, फिर इसने दोबारा एक और H प्लस लूज करा तो इट विल फॉर्म H2PO4 माइनस 2, फिर इसने एक बार और लूज करा ठीक है ना तो PO4 माइनस 3। मतलब इनडायरेक्टली अगर मुझसे ये बोले कि एक टेट्रा प्रोटिक एसिड है, टेट्रा प्रोटिक एसिड का मतलब जिसके पास 4 प्रोटॉन, तो वो कितने सॉल्ट बनाएगा 4 सॉल्ट बनाएगा जिसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे बेटा, है ना। जैसे इसके पास 3 थे
तो इसने तीन ही सॉल्ट बनाए, ये इसका सॉल्ट क्या है वन, है ना, ये इसका सेकंड सॉल्ट। सॉल्ट कब बनेगा, जब आप इसकी रिएक्शन किसी कैटायन से करवा दो, जैसे NaOH के साथ करवाओगे तो NaH2PO4 सॉल्ट हो गया, ये कौन सा बनाएगा Na2HPO4 और वो Na3PO4, ठीक है ना। तो अब इसने टोटल चार जो चीजें लिखी हुई हैं, अगर मुझसे H3PO4 का बिहेवियर बोला जाए तो H3PO4 तो केवल किसकी तरह काम करेगा, एसिड, क्योंकि ये केवल H+ देगा। फॉस्फेट आयन केवल किसकी तरह काम करेगा, बेस, क्योंकि ये केवल H+ ले सकता है, परंतु बीच के दोनों किसकी तरह काम करेंगे, एम्फीप्रोटिक। वो H+ ले भी सकते हो, दे भी, जैसे इसकी बात करो H2PO4-, अगर इसने H+ ले लिया, ठीक है, तो H+ ले लेगा तो वापस किस में बदल जाएगा, H3PO4, और अगर इसने H+ छोड़ दिया तो किस में बदलेगा, HPO4-2। इसी तरह से HPO4-2 अगर इसने H+ ले लिया, तब मैं इनको इसलिए देखो रिवर्सिबल बना दे रहा हूँ, अगर इसने H+ ले लिया तो इट विल कन्वर्ट इनटू H2PO4-, बट इसने H+ छोड़ दिया तो किस में बदल जाएगा, PO4-2। अरे मेरी बात समझे, ठीक है ना। तो PO4- के लिए मैं अपना बोल सकता हूँ कि ये भी है ना, अगर ये लेना चाहेगा तो ये केवल आपको दिख रहा है कि ये केवल H+ को क्या कर सकता है, ले सकता है, जबकि बीच के दोनों क्या कर रहे हैं, H+ को ले भी सक रहे हैं और दे भी सक रहे हैं, ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं बोलूं कि कोई भी HNA टाइप का पॉलीप्रोटिक एसिड हुआ, ठीक है, HNA मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, कितनी हो गई इसकी बेसिसिटी, N, है ना, HNA। अगर HA लिखा होता तो मोनोबेसिक एसिड, H2O लिखे होता तो डाई, H3A लिखा होता तो ट्राई, मैंने HNA लिख दिया है, तो ये किस तरह का हो गया, पॉलीप्रोटिक एसिड। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कितने सॉल्ट बनाएगा, तो ये कितने सॉल्ट बनाएगा, N, जितनी बेसिसिटी होगी उतने सॉल्ट, ऊपर वाले के पास तीन था तो तीन सॉल्ट, तो N है तो कितने सॉल्ट बनाएगा, N सॉल्ट बनाएगा टोटली आप, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कितने एम्फीप्रोटिक आयन देगा आपको, तो वो आप बोलोगे कितने, N-1, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कितने एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट का मतलब भी होता है कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, है ना, ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसे एसिडिक सॉल्ट बोला जाएगा। तो अगर मैं ये पूछूं कितने एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, तो N-1 ही बनाएगा, है ना, इसके पास तीन थे, इसने तीन सॉल्ट बनाए जिसमें से एम्फीप्रोटिक आयन कितने, दो, और ये दोनों के दोनों ही एसिडिक सॉल्ट भी है, क्योंकि इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है और इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन। तो जब मैं बफर बढ़ाऊंगा तब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये एसिड बेस थ्योरी का ये पार्ट ध्यान रखना कि जिस सॉल्ट की जितनी बेसिसिटी होगी वो उतने ही सॉल्ट बनाता है, उतनी स्टेप में H+ छोड़ेगा, ठीक है ना, और उसमें से एक घटा दोगे तो उतने सॉल्ट उसके क्या हो जाएंगे, एसिटिक हो जाएंगे या एम्फीप्रोटिक हो जाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं वापस, राइट कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस ऑफ द फॉलोइंग, राइट कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस ऑफ द फॉलोइंग, पहला दिया है जैसे मैंने आपको HS-, दूसरा HCO3-, तीसरा H2PO3-, मतलब ये तीन मैंने छोटे से एग्जांपल दिए, राइट कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस ऑफ द फॉलोइंग। ओके, व्हाट विल से HS- के लिए क्या बोलूंगा मैं,
अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो मैं इसमें H प्लस जोड़ दूंगा, और जैसे आप इसमें H प्लस जोड़ोगे तो इट विल बी H2S, और अगर कॉन्जुगेट बेस में आपसे बोल रहा हूँ तो आप इसमें से H प्लस हटा दो, मतलब S माइनस लिख लेंगे सभी, बस ऐसे ही HCO3 माइनस। अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसमें से H प्लस अगर आप हटाते हो तो क्या बनेगा आपका, कार्बोनेट आयन, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, और अगर आप इसमें H प्लस जोड़ देते हो तो H2CO3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। सिमिलरली H2PO3 माइनस, अगर आप इसमें से H प्लस हटाते हो तो HPO3 माइनस 2, और इसमें जोड़ते हो तो H3PO3, और मुझे पता ही था H3PO3 किस तरह का एसिड था, डाइबेसिक एसिड, ठीक है ना, कर लेंगे सभी, है ना। तो ब्रॉन्स्टेन-लोरी थ्योरी इस मामले में इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती जो आपको ध्यान रखनी। और लास्ट थ्योरी लिख लो अब हमारा, लुईस एसिड बेस थ्योरी, हाँ जितने भी वीक हैं बेटा, है ना, बस अब आने वाले हैं, वीक हमेशा कहाँ पर रहता है, इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए। तो अब किसी किसी में अभी नहीं दिखाया हो तो अलग बात है, बाकी आगे से वीक का मतलब ही इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो लास्ट थ्योरी इज अवर लुईस एसिड बेस थ्योरी, है ना, जो फॉर द प्रेजेंट चैप्टर उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा काम है ना या तो आरएनएस से चलेगा या फिर ब्रॉन्स्टेन से। वाई, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अवर पर्पस इज टू डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस या ओ एच माइनस। तो एच प्लस और ओ एच माइनस कौन देगा आपको, आरिनियस एसिड या ब्रॉन्स्टेन एसिड। लुईस एसिड बेस थ्योरी तो सिंपल है, लिख लेना क्या थी लुईस एसिड बेस थ्योरी, लुईस एसिड बेस थ्योरी। फॉर द प्रेजेंट चैप्टर ये उतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट चूंकि एटलीस्ट हम लोग कभी एसिड बेस थ्योरी एक जगह पढ़ना चाह रहे हैं तो इसमें लिखना है ना, लुईस एसिड इज लोन पेयर एक्सेप्टर LA, जो भी लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, है ना, लोन पेयर एक्सेप्टर, है ना, एंड लुईस बेस इज लोन पेयर डोनर। समझे, जैसे अब दो चार एग्जांपल दें तो जितने भी अमोनियम, अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव जो है वो हमेशा किस कैटेगरी में आएंगे, लुईस बेस, क्योंकि इनके पास क्या है आपका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस चैप्टर में जो बेस हैं वो नॉर्मली लुईस बेस यूज होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज अमोनिया के डेरिवेटिव्स का होता है, तो वो लोन पेयर की वजह से लुईस बेस की तरह काम कर रहे हैं आपके। इसके अलावा जिनके पास भी नेगेटिव चार्ज हो, है ना, CN माइनस, OH माइनस, SO4 माइनस 2 एटसेट्रा, तो ये क्या कर सकते हैं, अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर लुईस बेस। एक्सेप्टर कौन से होंगे, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल, या फिर जिनके ऊपर कौन सा चार्ज हो मेरा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो भी वो आसानी से लोन पेयर को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो लोन पेयर को लेके क्या करने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रलाइज, ठीक है। दीज आर द थ्री थ्योरीज ऑफ किसकी, हमारा एसिड बेस थ्योरी, जिसमें से ज्यादा हमें फर्स्ट सेकेंड की जरूरत पड़ेगी, बेस में जरूर हमारे लिए लुईस बेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर WE
मतलब इनके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर लगेगा, है ना। मान लीजिए ए बी कोई मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो सिंस इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट तो इट विल डिसोसिएट इनटू ए प्लस एक्वस एंड बी माइनस एक्वस, और फाइनली ये क्या एस्टेब्लिश कर लेगा अपना, इक्विलिब्रियम। ठीक है, वीक है तो इसका अल्फा मुझे नोन होगा कि अननोन होगा, अननोन होगा, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसका बात करूं टी इक्वल टू जीरो पर इसका कंसेंट्रेशन पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें सी से काम करना है, सी मतलब कंसेंट्रेशन, और यूनिट क्या होगी कंसेंट्रेशन की, मोल पर लीटर, तो मोलरिटी बेसिकली। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पे सी जीरो जीरो, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर क्या लिखूंगा, सी माइनस सी अल्फा। ये दो स्टेप हर प्रॉब्लम के लिए फिक्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम करोगे शुरू से लेकर आखिरी तक, क्योंकि अभी मैंने बोल दिया कि कोई भी चीज होगी यहां पर, अगर ये ए टू बी भी होता तो क्या होता, वन बाय वन टूटता, ठीक है ना। तो वन बाय वन टूटेगा तो इसी तरह से चलेगा हमारा, सी जीरो जीरो, सी माइनस सी अल्फा और सी अल्फा। अब हमने बोला कि चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और अल्फा क्या है इसका, अननोन है, तो एक अननोन आ गया है, सी तो मुझे नोन है, तो मुझे कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा, है ना, मुझे कैलकुलेट ऐसे करना पड़ेगा भैया, ये रिएक्शन कहाँ पर है आपका, इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है ना। अभी मैं के आई मान लेता हूँ, जैसे आपने केमिकल में के सी और के पी पढ़ा था, यहाँ पर के आई मतलब आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट। तो के आई का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या होगा एक्सप्रेशन मेरा, ए प्लस इंटू बी माइनस अपॉन ए, जो नॉर्मल होता है केसी केपी में, प्रोडक्ट ऊपर विथ देयर स्टाइचोमेट्रिक कोफिशियंट जो यहां पर वन वन ही है, अपॉन रिएक्टेंट नीचे, है ना। तो के आई के बारे में लिखना कि के आई इज Ki is ionization constant. Ki is ionization constant of weak electrolyte. Ki is ionization constant of weak electrolyte whose numerical value will be Ki is ionization constant of weak electrolyte whose numerical value will be given in the problem. हर weak electrolyte का ionization constant, अभी इस weak electrolyte का नाम fix नहीं है, अब आगे से नाम अगर fix हो गया, जैसे acid होगा तो हम लोग Ki की जगह Ka लिखेंगे, base होगा तो Kb लिख देंगे, है ना। पूरा काम हमारा acid और base और salt से ही चल रहा है, salt कभी भी weak नहीं हो सकता, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये पूरे चैप्टर में हमारा काम मेजरली के ए और के बी से ही चलना है, बस लास्ट पार्ट में के एस पी एक जरूर आएगा, बाकी उसको आने में काफी टाइम है हमारा, ठीक है ना। तो अभी चूंकि नाम फिक्स नहीं है इसलिए मैंने के आई लिख दिया है, तो इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूरे चैप्टर में क्या होगी आपको, गिवन हो, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी एक अननोन आपके पास आ चुका है, एक इक्वेशन में एक ही अननोन को तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो के आई इज आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, उस न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम एंड इट चेंजेस ओनली एंड ओनली विथ टेम्परेचर। ये केवल और केवल किसके साथ चेंज होगी, टेम्परेचर। लाइक के सी के पी अगर आपको याद हो, है ना, तो के सी के पी की न्यूमेरिकल वैल्यू केवल और केवल टेम्परेचर है ना। सभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ब्रह्मा जी का वरदान है कि और कोई तुच्छ प्राणी तुम्हारी, है ना, इज्जत नहीं लूट सकता है, ठीक है। केवल और केवल कौन लूट सकता है, या टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ही इनके साथ छेड़खानी कर सकता, बाकी लोग तो इसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसलिए अब हमारा के आई आपका फिक्स हो गया, क्योंकि टेम्परेचर पूरे प्रॉब्लम में कभी वो चेंज करने वाला है ही नहीं। तो अब ये जो आपने ऊपर कंसेंट्रेशन निकाले हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ए प्लस की जगह क्या, सी अल्फा अपॉन सी कॉमन ले लेता हूँ तो वन माइनस अल्फा, ठीक है ना। एक सी को क्या कर दूं मैं, कैंसिल, तो क्या हो गया मेरे लिए, के आई बराबर
सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि इसमें के आई और सी तो क्या है आपको नोन है, ठीक है, और केवल अननोन क्या है अल्फा, है ना। और आपको लग रहा होगा कि अब तो बस शेरवानी सर आपकी जरूरत नहीं है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम तो सॉल्व ही कर लेंगे इसको, है ना। तो आपकी बैंड बच जाएगी बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में ही आयनिक इक्विलिब्रियम में बैंड बचती, ठीक है ना। कहने को तो हर बार आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए यही इक्वेशन बनेगी हर टॉपिक के लिए, बट इसको सॉल्व करने में ही हमें, है ना, भले ऐसी चल रहे हो तीन तीन पसीने आ जाते हैं कि अब सॉल्व कैसे करें। और सॉल्व हम लोग केवल इसको करेंगे किसके ऊपर, अप्रोक्सीमेशन, है ना। क्या अप्रोक्सीमेशन, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ए बी इज क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या लिखी थी, जिसका अल्फा खूब छोटा हो, वेरी वेरी मच लेस देन वन। इफ अल्फा इज वेरी वेरी मच लेस देन वन तो आई कैन नेग्लेक्ट अल्फा विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है ना। बोलो ठाकुर, अगर अल्फा वेरी वेरी मच लेस देन वन है तो आई कैन नेग्लेक्ट अल्फा विद रिस्पेक्ट टू वन, और अल्फा को वन के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करने का मतलब वन माइनस अल्फा को वन के बराबर लिखना, है ना। तो नीचे अब हम लोग यही लिखेंगे, लिख लेना, है ना, कि सिंस अल्फा इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू वन, है ना। मैं अपनी जेएच टेक्निक तो बताऊंगा आगे आपको, अभी आज के लिए इतना लिखा दे रहा हूं कि सिंस अल्फा इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू वन, है ना, सो वन माइनस अल्फा जो है, मैं इधर आ जा रहा हूं, तो आई कैन टेक वन माइनस अल्फा इक्वल टू किसके बराबर, वन। और एक बार आपने ये ले लिया तो तब तो बस मस्त, के आई बराबर क्या, सी अल्फा स्क्वायर हो गया आपके बराबर पास, और यहां से आपका अल्फा निकल आया। क्योंकि मैंने बोला ये कि अगर पूरे चैप्टर में मुझे आयन का कंसेंट्रेशन निकालना है तो आयन का कंसेंट्रेशन निकालने के लिए किसी भी आयन का कंसेंट्रेशन किसके बराबर होगा, सी अल्फा, और उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, अल्फा, ठीक है ना। तो हम लोग अल्फा इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन हो जाए बेटा, और फिर कहीं गलती से पास हो जाओ 4 साल आईआईटी में, और फिर गलती से कहीं ना नौकरी वोकरी नहीं लगे ना, तो इस फील्ड में आ जाना, पढ़ाने के फील्ड में खूब बढ़िया चीज होती है पढ़ाना, है ना। बैठे 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 बिठाए मासूम भोले वाले बच्चों को बेवकूफ बनाना होता है ना, जो मैंने अभी आपको बनाया और आप प्यार से बने, है ना। मैंने पहले तो बोला कि अल्फा क्या है, अननोन है ना, और हमने उसको वन के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट भी मान लिया, फनाला डिमका फार्मूला भी निकाल दिया, है ना। इस फॉर्मूले में गड़बड़ कुछ नहीं बेटा, गड़बड़ बस ये है कि आप इसी फॉर्मूले से हमेशा क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू निकालोगे। अब मान लो इस फॉर्मूले से अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, इस फॉर्मूले से अल्फा की वैल्यू 1 आ गई व्हेन के आई एंड सी आर इक्वल, दैट मीन क्या आप उसे 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हो, तब तो वो 0 हो जाएगा ना। तो आप हमेशा इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालना, बट इतना ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले से अल्फा की वैल्यू 0.05 या उससे कम आए तो ही लगाओगे आप इसे, मतलब इनडायरेक्टली कितने परसेंट, केवल 5%। बुक्स में कहने को 10% है ना। अब यही सब है जो मेरे टेक्निक है, जेएच टेक्निक, मैं आगे बताने वाला हूँ, बट रफ हिंट अभी दे दे रहा हूँ कि मैंने आपको बेवकूफ बनाया और आप प्यार से बने भी, तो ध्यान देना कि हम लोग निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले से, बट इतना ध्यान रखेंगे कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0.05 से कम हो। अगर ज्यादा आ गई, जैसे 0.2 भी आ गई, तो 0.2 का मतलब 20%, ठीक है ना। 1 के रिस्पेक्ट में आप 0.2 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते भाई। आप 1 लाख कमाओ और हर महीने 20,000 दान में दो, ऐसा कोई दानी पैदा नहीं हुआ, सही कि नहीं, है ना। 200 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए दे दिए चलो किसी को, अलग बात है। 1 लाख में से 20,000 हर महीने दान देने बैठ गए तो हो चुका उद्धार, ठीक है ना। तो वही वाला हिसाब है, कितना आप दान देने की मैक्सिमम लिमिट रखते हो वो ध्यान रखना। और हमारी दान देने की मैक्सिमम लिमिट 5,000 रुपए है, मतलब केवल 5%। 1 लाख कमाएंगे तो भगवान को बोल के चढ़ेंगे 10 लाख की नौकरी दिलाओ, 50,000 तक दान कर दूंगा, सही कि नहीं। तो 10 लाख की नौकरी मिलेगी तब भले दे देना, बाकी अदरवाइज ऐसे नहीं कि पूरे दानी बन जाओ, घर का सब कुछ बेच बाज के बोला ले दान उठाओ, क्योंकि इस फॉर्मूले से कभी कभी अल्फा की वैल्यू 2 भी आ जाएगी और हम ध्यान ही नहीं देंगे कि ले अल्फा 2, है ना। तो हम लोग इससे मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएंगे, केवल 0.05, है ना। अब इसमें झगड़ा मत करना सर, 0.06 हो जाएगा तो क्या करूंगा,
इसने 0.06 बोला तो ये बोलेगा 0.07 में क्या करूं सर, अब मैं अब ये बोलेगा 0.08 में क्या करूं, ऐसे आप बढ़ाते चले गए तो फिर उसका कोई भी एंड नहीं है। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है तो एट मोस्ट वी कैन गो अप टू 10%, क्योंकि ज्यादा आंसर में फर्क आने वाला नहीं है, बट उससे ज्यादा नहीं सर, 11 भी ले लो सर, 12 भी ले लो ना, वो एक हेड आता था ना पापा 1010 याद है, हाँ पेन से लिखवाता है 00 पानी गिर जाता है और बोला जाता है एक टपकती बूंद आपका भविष्य बदल सकती है, नहीं तो, समझ गया, समझता रहो तुम लोग, चलो तो क्या बात है, वाह यार, तो अल्फा बराबर हो गया मेरा रूट ऑफ के आई बाय सी, अब मुझे के आई भी पता है और सी भी पता है, तो मैं इससे किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, अल्फा, तो ये हमारा जो अल्फा अननोन है, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर वो एसिड होता तो बस के आई की जगह के ए हो जाता, बेस होता तो के आई की जगह के बी हो जाता, जो हम लोग चालू करेंगे, ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले से आप अल्फा निकालोगे। अब आगे लिखेंगे हम लोग, ठीक, इसे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोला जाता है। अब मुझे देखना है कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अल्फा को अफेक्ट करेंगे, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, ठीक, सबसे पहला फैक्टर जो अल्फा को अफेक्ट करता है दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट, सबसे पहला फैक्टर जो अल्फा को अफेक्ट करेगा दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, और सॉल्यूट तो अब मैंने पूरी लिस्ट निकाल दी है बेटा आपको, अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो डेफिनेटली उसका अल्फा क्या होगा, वेरी वेरी मच लेस देन 1, बट अगर आपने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो उसका अल्फा इक्वल टू 1, तो मुझे लिस्ट पूरी लिखी हुई है कौन वीक होता है और कौन स्ट्रांग होता है, और इन जनरल अगर उनमें से कोई ना होना तो जनरल रूल ये है जिसका भी के आई आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा तो वीक ही होगा, अगर के आई गिवन है तो वीक है, और के आई गिवन ही नहीं है, नहीं गिवन है मतलब नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड मतलब स्ट्रांग, और नॉट डिफाइंड कब होगा, जब नीचे 0 हो जाए, नीचे 0 कब होगा, अल्फा 1 हो, और अल्फा 1 कब होगा, जब स्ट्रांग होगा, तो पूरा चैप्टर का रूल ही यह है कि स्ट्रांग के लिए कभी भी आपको उसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट या आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट गिवन नहीं होगा, तो अगर किसी प्रॉब्लम में 5 एसिड आ रहे हैं, 3 का दिया हुआ है 2 का नहीं दिया हुआ है, तो वो दोनों मेरे लिए स्ट्रांग है, उनका अल्फा सीधे सीधे 1 ले लीजिएगा, ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट तो इतना सही है, सेकेंड वन इज अवर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट है, तो आपके सभी जो कंपाउंड आप यहां पे ले रहे हो वो किस नेचर के हैं, पोलर, तो सॉल्वेंट शुड बी पोलर इन नेचर, पोलर होगा तो आसानी से क्या करेगा, उसके डिसोसिएशन को बढ़ाएगा, है ना, तो लिख लेना हमारा कि सॉल्वेंट शुड बी पोलर इन नेचर, है ना, सॉल्वेंट शुड बी पोलर इन नेचर एंड इट्स डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट शुड बी हाई, सॉल्वेंट शुड बी पोलर इन नेचर एंड इट्स डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट शुड बी हाई, ठीक है, आगे देखना, वाटर सेटिस्फाइज बोथ ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, वाटर सेटिस्फाइज बोथ ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, हैंस ट्रीटेड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इस पूरे चैप्टर में आपको वाटर को ही क्या लेना है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेके चलना है, H2O, है ना, तो इन दो फर्स्ट और सेकंड फैक्टर में आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, फिक्स है, सॉल्यूट आपको दिख जाएगा, सॉल्वेंट पूरे चैप्टर में वाटर ही लेंगे, हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर अब तीसरा आता है दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें दो केस होंगे आपका, पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन कितना होता है, 1,
है ना, तो उनको कंसंट्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही में यही लिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलवेज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलवेज 100% डिसोसिएटेड एट ऑल कंसंट्रेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलवेज 100% डिसोसिएटेड एट ऑल कंसंट्रेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा ही 100% डिसोसिएट होंगे एट ऑल कंसंट्रेशन, कुछ भी हो जाए। तो इनका अल्फा हमेशा इक्वल टू किसके बराबर लेना है आपको, 1 के। बट सेकेंड केस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन आप जितना बढ़ाते जाओगे है ना, उनका अल्फा उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है ना, क्यों समझाने के लिए जैसे समझाऊं कि 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन, कौन सा कंसंट्रेशन लो है, 0.01 है ना। 0.01 का मतलब क्या हो गया, 0.01 मोल इन 1 लीटर, ठीक है, और इस 0.1 का मतलब 0.1 इन 1 लीटर, ठीक है। तो अगर 0.1 1 लीटर में, तो 1 मोल कितने लीटर में होगा, 10 लीटर, और यहाँ पर 1 मोल कितने में होगा, 100 लीटर। इलेक्ट्रोलाइट सेम है दोनों में, परंतु यहाँ पर 1 मोल को आपने 10 लीटर पानी में डिजोल्व करा है, 10 लीटर मान लो इतना, अगले केस में आपने उसको 100 लीटर। अब इलेक्ट्रोलाइट मैंने बोला ही है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अपने आप कभी भी नहीं टूटेगा, उसे तोड़ने का काम कौन करेगा, सॉल्वेंट मतलब पानी, पानी में डालने के बाद ही वो टूट रहा है। अब एक आदमी को 10 लोग मिलके मारे और एक को 100 मिलके मारे, तो आपको पता ही है किस केस में वो जल्दी मरेगा, 100 वाले केस में, है ना। मेरे जैसा हुआ तो अलग बात है ना, मैं 10 को तो निपटा दूंगा, बाकी 100 से तो मैं भी पंगा नहीं ले सकता हूँ। और ये अभिषेक भाई साहब जैसा हो अपना, तो इसके लिए तो एक ही काफी, आधा ही आधे काफी। हाँ, गोलू क्यों बैठे है, मैं इतनी दूर से उसको क्यों बुलाऊंगा, गोलू को मैं ही आके बैठ जाऊंगा, खत्म और क्या, ठीक है ना। तो सीधा सीधा बस लॉजिक ये भैया कि मारने का काम कर रहा है कौन, पानी, और पानी जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी मरेगा, और पानी ज्यादा तभी हो सकता है जब कंसंट्रेशन काफी कम हो, कंसंट्रेशन कम होने पर पानी का अमाउंट वैसे ही ज्यादा होता जाएगा, ठीक है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन आगे सवालों में हम लोग यूज करेंगे। मतलब आई कैन से कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब वी टेंडिंग टू क्या हो, इन्फिनिटी, वॉल्यूम खूब ज्यादा हो। डाइल्यूशन का मतलब भी क्या होता है, किसको डालना, पानी को, तो वी खूब ज्यादा है, वी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर वी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो सी टेंडिंग टू जीरो, और अगर सी टेंडिंग टू जीरो है तो अल्फा टेंडिंग टू कितना होगा, सी टेंडिंग टू जीरो है तो अल्फा टेंडिंग टू इनफाइनाइट। वेरी गुड बेटा, मुझे पता था अल्फा टेंडिंग टू 1। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम लिमिट यही हो सकती है कि वो 100% डिसोसिएट हो जाए। तो आप लोग महान हो बेटा, कहाँ चरण आपके, एक अभी आरा मशीन लगे इसे सबके काट देता हूँ, पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद तो तुम वैसे ही जान निकाल के रख दोगे ना। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है इस फॉर्मूले से, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड है ना, ध्यान दे दो थोड़ा। मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की कितनी हो सकती है, 1। मतलब व्हाट वी कैन से एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग रहेगा ही, और वीक भी किसमें हो गया, स्ट्रॉन्ग। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूशन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
वो तो खुश हो जाएंगे यार, कैसे रोतला चेहरा जेएस सर का आज हंस कैसे रहा है। ये कंप्लेन लिखी मेरे ऊपर किसी ने, सर थोड़ा हंस भी लिया करो। वो सन ऑफ सरदार में बोलता ना, कभी हंस भी लिया करो। हाँ, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो दिस फैक्टर इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इन दोनों में तो कोई ज्यादा रोल आपको है नहीं, ये तो पहले से क्या हो चुके हैं फिक्स। कंसेंट्रेशन आपके हाथ में रहेगा पूरे चैप्टर में, और हर प्रॉब्लम में वो लगातार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। चौथा फैक्टर जो होता है वो है हमारा टेम्परेचर। इसका भी रोल काफी कम ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मली वो चेंज नहीं कराएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी करने के लिए खूब सारी चीजें हैं, बट लिखने के लिए जरूर लिखेंगे कि अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो KI जो है वो बढ़ जाएगा। या दूसरे में ये सोच सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर आयंस की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर उनकी स्पीड बढ़ेगी तो अपने बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देंगे, और तोड़ देंगे तो अल्फा बढ़ जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर में यही लिखेंगे हम लोग, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KI एज वेल एज स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीजेस, ड्यू टू विच अल्फा इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। एंड अगेन फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, थर्ड एंड फिफ्थ फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और फिफ्थ फैक्टर है आपका कॉमन आयन इफेक्ट, है ना। ये दो फैक्टर आपको पूरे चैप्टर में परेशान करेंगे, क्योंकि कंसेंट्रेशन हर प्रॉब्लम में चेंज होगा, और कॉमन आयन इफेक्ट नाम से ही है। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एक आयन कॉमन। क्या एक इलेक्ट्रोलाइट कितने आयन देगा आपको, दो ही, केटायन और एनायन। क्या वो दोनों कॉमन हो सकते हैं, नहीं, उसमें भी सोचना पड़ रहा हमें। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव, तो उनके कॉमन होने का कोई भी सवाल नहीं है। तो अगर मैं कॉमन आयन इफेक्ट बोल रहा हूं, तो आयन कॉमन कब हो सकता है, जब मिनिमम कितने इलेक्ट्रोलाइट हो, दो, है ना। तो ये वाला टॉपिक उनके लिए एप्लीकेबल होगा जब प्रॉब्लम में मिनिमम दो इलेक्ट्रोलाइट हो, और जिनमें कम से कम एक आयन कॉमन हो। जैसे मैंने दो एसिड मिला दिए, एसिटिक एसिड भी और फॉर्मिक एसिड भी, तो डेफिनेटली इनमें कौन सा आयन कॉमन हो गया, H+ आयन कॉमन हो चुका है। तो सबसे पहले लिख लेना कि दिस टॉपिक इज एप्लीकेबल ना व्हेन मिनिमम टू इलेक्ट्रोलाइट्स। दिस टॉपिक इज एप्लीकेबल व्हेन मिनिमम टू इलेक्ट्रोलाइट्स having one ion common are present in the solution. This topic is applicable when minimum two electrolytes having one ion common are present in the solution. है ना? जैसे मैं पहले तो एग्जाम्पल बताता हूँ ना, सबसे अच्छा एसिड जो पूरे चैप्टर में यूज होगा, मैंने बताया था एसिटिक एसिड, है ना। तो एसिटिक एसिड के साथ कोई भी दूसरा एसिड, तो आप देख सकते हो कि इनमें कॉमन आयन कौन सा हो गया, H+, है ना। और चूंकि एक इलेक्ट्रोलाइट के दो आयन है, तो कॉमन किसी को भी कर सकता हूँ, केटायन को भी और एनायन। अभी हमने कॉमन किसको करा है, केटायन को। अब अगर एनायन को करना होगा, तो एनायन क्या है इसमें, CH3COO-, तो आप कोई सॉल्ट ले लो, CH3COONa, मतलब इन जनरल क्या हो गया, एसिड कॉमन आयन तभी होगा जब उसके साथ या तो दूसरा एसिड हो, या फिर क्या हो, सॉल्ट। सिमिलरली अगर मैं बेस की बात करूं, तो बेस के लिए क्या होगा मेरा, जैसे मान लो NH4OH, अब इसको कॉमन करना हो, तो या तो मैं OH को कॉमन करूं, और OH को कॉमन करने का मतलब मैं क्या डाल दूं, NaOH,
तो इसमें कौन सा आयन कॉमन हो चुका है आपका OH, है ना, इधर दोनों में एसिटेट आयन, या फिर मैं NH4 प्लस को कॉमन करूं, मतलब NH4 क्या डाल दूं, Cl, है ना। तो ये अच्छे लेवल के प्रॉब्लम में आपको मिलेगा और कॉमन आयन इफेक्ट भी पूरे चैप्टर में आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं, ठीक है ना। तो बेस के लिए कॉमन आयन इफेक्ट तब लगेगा जब या तो उसके साथ कोई दूसरा बेस हो या फिर क्या हो, सॉल्ट, ठीक है। तो अब ये तो पहले कॉमन आयन का मतलब क्या है, अब कॉमन आयन का इफेक्ट क्या है। मान लीजिए मेरा कोई AB इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है, तो अब अगर ये वीक है तो किस किस में टूटेगा, A प्लस एंड B माइनस, और इसमें मैंने कोई AC इलेक्ट्रोलाइट और डाल दिया, सपोज करो वो स्ट्रांग है, है ना। अब एक ही कंटेनर में मेरी दो रिएक्शन चल रही है, AB भी टूट रहा है और AC भी टूट रहा है, कौन सा आयन कॉमन हो चुका है, A+ आयन, समझे। लीच-एडेरेंस प्रिंसिपल अगर हमें याद हो थोड़ा सा, ठीक है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट का बढ़ाने पर बैकवर्ड। आयनिक इक्विलिब्रियम में आयन हमेशा किस तरफ आएंगे, प्रोडक्ट साइड में आएंगे हमेशा ही, ठीक है ना। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आयन हमेशा प्रोडक्ट साइड में आएंगे, और अगर आपने कॉमन आयन बना दिया है किसी को, मतलब उस पर्टिकुलर आयन, दैट इज इन द प्रेजेंट केस A+ का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। A+ किसकी तरह काम कर रहा है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, कौन सी रिएक्शन, जो इक्विलिब्रियम पर होगी, और दोनों में से कौन है इक्विलिब्रियम पर, ये तो इरिवर्सिबल है, ये तो बैकवर्ड में जा ही नहीं सकती, तो बैकवर्ड में तो वही जा सकती ना जो जा रही हो, ठीक है ना। तो ऊपर वाली रिएक्शन किस डायरेक्शन मूव कर गई, बैकवर्ड, ऊपर वाली रिएक्शन बैकवर्ड में जाने का मतलब क्या हो गया, B- का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि कम होगा, कम, क्योंकि अब A+ B- के साथ कंबाइन करके उसे पीछे ले जाएगा, ठीक है ना। और B- का कंसंट्रेशन क्या हो गया मेरा, कम हो गया। B- का कंसंट्रेशन किसके बराबर था, C-अल्फा, मैंने बोला ही था किसी भी आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर है, C-अल्फा। तो अगर ये कम हो गया, क्या C चेंज हुआ है, नहीं, तो दैट मीन किसकी वैल्यू चेंज हो गई मेरी, अल्फा की, ठीक है ना। और B- का कंसंट्रेशन क्या हुआ है, कम, तो अल्फा की वैल्यू भी क्या हो गई मेरी, कम हो गई। आ रही मेरी बात समझ में। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब भी ये है कि देखो, है ना, हमारे पास तीन चीजें भैया, हम इंजीनियर बनने जा रहे हैं, पहली चीज कि मुझे अल्फा निकालते कैसे वो पता होना चाहिए, मैंने निकाल लिया, अब मुझे अल्फा को बढ़ाने और किसके तरीके पता होना चाहिए, घटाने। बढ़ाने का तरीका तो ये सामने लिखा हुआ है ना, भर भर के पानी डालते जाओ, पानी तो मार रहा था उसको, मैंने अभी बताया, जितना ज्यादा पानी डालोगे कंसंट्रेशन उतना कम होगा, और कंसंट्रेशन जितना कम होगा अल्फा उतना बढ़ता जाएगा। तो ये बढ़ाने का तरीका हो गया, तो अगर मुझे किसी चीज को बढ़ाने का तरीका पता है तो घटाने का भी, है ना। ये हम लोग बार बार आगे पीछे क्यों हो रहे बेटा, AC परेशान कर रहा ना, तो हमें AC के बारे में तीन चीजें पता होना चाहिए, AC चलाते आना चाहिए, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाते भी आना चाहिए और घटाते भी, क्योंकि दोनों चीजें काम पड़ेंगी, ठीक है ना। ठीक है, तो बस आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या हो गया हमारा, इफेक्ट प्रोड्यूस बाय कॉमन आयन, और कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा कि इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हमेशा पहले से कम हो जाएगा, और जितना ज्यादा आप कॉमन आयन का कंसंट्रेशन करोगे, अगर मैंने AC का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा बढ़ाया, A+ का कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और A+ का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा रिएक्शन उतनी बैकवर्ड में जाएगी, मतलब अल्फा उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा, है ना। पहले ये डायग्राम के फॉर्म में लिख लो, तुम बस डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, है ना। डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of peak electrolyte, depression of degree of dissociation of weak electrolyte due to the presence
ऑफ ए कॉमन आयन, डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कॉमन आयन है ना, प्रोड्यूस फ्रॉम अनादर इलेक्ट्रोलाइट, प्रोड्यूस फ्रॉम अनादर इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में डाल देना स्ट्रॉन्ग और वीक, प्रोड्यूस फ्रॉम अनादर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग और वीक है ना, इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट, इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है ना, अब इन सब चीजों की हमें नेक्स्ट क्लास से जो सवाल चालू होंगे उनमें जरूरत पड़ेगी। इसमें दो पॉइंट और लिख लेना, पहला कि कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट केवल किसके और ऊपर होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाली रिएक्शन तो कभी भी बैकवर्ड में जाएगी ही नहीं। तो पहला पॉइंट लिख लेना, सीआईई ऑपरेट्स ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट, सीआईई ऑपरेट्स ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, और तीसरा एक और पॉइंट लिखना कि कॉमन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा अल्फा उतना ही कम होता जाएगा ना। तो सेकंड पॉइंट यही है हमारा, हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, मोर विल बी द कॉमन आयन इफेक्ट, मोर विल बी द कॉमन आयन इफेक्ट, that is है ना, less will be alpha of weak electrolyte। less will be the alpha of weak electrolyte। तो common ion का concentration आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे उसका alpha उतना ही क्या हो जाएगा, कम। तो हमारे लिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अब जरूरत पड़ेगी, टोटल तो 5 फैक्टर हैं, थ्योरेटिकली पूछ लेगा भी, बट न्यूमेरिकली 3rd और 5th का हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी आर राइटिंग है ना, पीएच एंड पीओएच है ना, पीएच जनरल मीनिंग ही है पीएच का, पावर ऑफ एच है ना, पीएच का मतलब क्या, पावर ऑफ एच, और पीओएच का मतलब है हमारा पावर ऑफ किसकी, है ना। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन, बोले हम लोग पीएच की क्या डेफिनेशन होगी, तो इसमें लिखना हमारा कि कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन concentration of H plus ion is expressed, concentration of H plus ion is expressed in terms of negative power of 10, concentration of H plus ion is expressed in terms of negative power of 10 and न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट नेगेटिव पावर, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट नेगेटिव पावर इज नोन एज पीएच। ठीक, आप क्या करो भैया, एच प्लस आयन के कंसंट्रेशन को किसमें एक्सप्रेस करो, 10 की नेगेटिव पावर। ठीक है ना, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इस नेगेटिव पावर है ये एक्स ही आपके लिए किसके बराबर है, पीएच। दैट मीन अब मैं लिख सकता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस किसके बराबर हो गया, 10 की पावर माइनस पीएच। पूरे चैप्टर में ही अब मुझे पीएच से काम पड़ेगा है ना, तो एच प्लस को लिखने का एक तरीका हमारा 10 की पावर माइनस पीएच होता है। अगर मैं दोनों साइड्स का लॉग ले लूं तो लॉग ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया हमारा, माइनस ऑफ क्या, पीएच, और इसलिए पीएच बराबर क्या हो गया हमारा, माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ
प्लस है ना, तो यहां से क्या पता पड़ रहा है, पीएच और एच प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली है ना, माइनस लॉग एच प्लस है, मतलब बेसिकली है ना नोटेशन लिखने के लिए हम लोग याद रखने के लिए हमेशा माइनस ऑफ लॉग एच प्लस लिखते हैं, आप चाहो तो लॉग ऑफ क्या लिख सकते हो, वन बाय एच प्लस। तो यहां से मुझे पता पड़ रहा है कि पीएच और एच प्लस जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली, मतलब जिस सॉल्यूशन का पीएच जितना ज्यादा होगा उसका एच प्लस का कंसेंट्रेशन उतना ही कम है ना। अब मीनिंग क्या है, जैसे एग्जांपल तो पूरे चैप्टर में आप देख सकते हो वापस किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, लॉग की, और स्पेशली चार लॉग मैंने पहले भी बोले थे काइनेटिक्स में और यहां भी बोल रहा हूँ, लॉग टू थ्री फाइव और सेवन, कौन महान आत्मा रे, टेन का लॉग तो लॉग टू कितना होता है हमारा 0.3, लॉग थ्री इज 0.48, लॉग फाइव इज 0.7, लॉग सेवन इज, ये चार लॉग हमने काइनेटिक्स में ही बोले थे, यहाँ पे भी आपको याद रखना है ना। अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि H प्लस का कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻³, ठीक है ना, तो पीएच के लिए आप एच प्लस के कंसंट्रेशन को पूरा किसकी पावर में डिनोट करोगे, 10⁻³ में, और पूरा 10⁻³ में कब डिनोट होगा, जब 2 को भी 10⁻³ में लिखो। अब मैं 2 को 10⁻³ में क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 2 को 10⁻³ में 10⁻³ 0.3 लिख सकता हूँ, लॉग 2 इज 0.3, ठीक है ना, तो अगर एंटी लॉग ले लूंगा तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 10⁻³ 0.3 लिख सकता हूँ। तो 10⁻³ 0.3 × 10⁻³ कितना, -3, मतलब 10⁻³ कितना हो गया, माइनस ऑफ 2.7, तो दैट मीन पीएच कितना हो गया मेरा 2.7, जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 10 की नेगेटिव पावर की होगी वो मेरे सॉल्यूशन का क्या होगा, पीएच। तो आप देख सकते हो आप 2.7 बोलना ज्यादा कन्वीनियंट है कि 2 × 10⁻³ - 3 बोलना ज्यादा कन्वीनियंट, 2.7, तो दैट्स व्हाई हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस को कन्वीनियंटली क्या करते हैं, पीएच में एक्सप्रेस कर देते हैं। और आपको इस तरह से बार बार करने की जरूरत नहीं, आप तो इसमें वैल्यू पुट करके कर सकते थे, समझाने के लिए मैंने बताया पीएच पता है, माइनस ऑफ लॉग क्या कर दो 2 × 10⁻³ - 3, वो आपके सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, पीएच। पीएच बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस की जगह मैंने ये रख दिया, ठीक है ना। अब लॉग ए इंटू बी को क्या लिख सकता हूँ, लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब माइनस ऑफ लॉग 2, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ लॉग 10⁻³ - 3, 10⁻³ का लॉग -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसलिए ध्यान रखना आगे से ताकि इतना टाइम ना लगे, जो भी 10 की नेगेटिव पावर होगी वो तो न्यूमेरिकल फॉर्म में बाहर आ जाएगी हमेशा, ठीक है ना, और जो नंबर है वो उसका लॉग रहेगा विथ माइनस साइन। तो आप डायरेक्ट, ताकि हमें टाइम ना लगे क्योंकि बार बार पीएच ही पूछेगा, तो इट इज 3 - log 2, और 3 - log 2 मतलब आप यहां से भी देख सकते हो 2.7 ही आएगा, क्लियर। तो अगर ऐसे ही हम लोग बस है ना, तो पीओएच को भी लिख लें अगर, तो सेम है डेफिनेशन आई एम नॉट गिविंग, कि ओएच माइनस बराबर 10⁻³ कितना हमारा, माइनस वाई, जहां से मैं वाई को क्या लिख सकता हूं अपना, पी ओ एच, ठीक है ना, और अगर वाई पी ओ एच हो गया तो ओ एच माइनस बराबर 10⁻³ - pOH, ठीक है, दैट मीन लॉग ऑफ ओ एच माइनस बराबर माइनस पी ओ एच, और दैट मीन पी ओ एच बराबर माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ। तो इस पूरे चैप्टर में ना बार बार आपका यूज पी से चलेगा, जैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पी के ए बोलेंगे, आप ऑर्गेनिक में तो बोल ही चुके हो, तो जहां पर भी पी आ जाए मतलब जिसके आगे पी लिखा हुआ उसका माइनस लॉग लेना है आपको, पी के ए मतलब माइनस लॉग के, पी के बी मतलब माइनस लॉग के बी, है ना, पी इरवानी मतलब माइनस लॉग इरवानी, ठीक है ना। तो जिसके नाम के आगे पी लग जाए बस उसका क्या, पी इरवानी मतलब पावर ऑफ इरवानी, और पावर हम लोग क्या करेंगे उसके नाम के आगे माइनस लॉग लगा दें, ठीक है ना। तो फ्रॉम हियर वी विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट।